डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गमूल के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ग के बारे में पढ़ा था कि स्क्वायर क्या होता है, कैसे स्क्वायर करते हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल क्यों निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। दो विधि हैं वर्गमूल निकालने के लिए, दो मेथड से निकालते हैं। एक है गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है हमारा भाग विधि यानी कि डिविजन मेथड। तो उस दोनों विधियों को हम लोग पढ़ेंगे आज, और इसमें देखते हैं कि वर्गमूल आखिर निकालते कैसे हैं। समझते हैं वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल मूल यानी कि रूट, स्क्वायर रूट किस चीज़ का स्क्वायर है, इस चीज़ को पता करना ही क्या है वर्गमूल निकालना। यानी कि जैसे कहें 36 किसका स्क्वायर है, किसका उसी में गुणा करेंगे 36 मिल जाएगा। तो आप कहेंगे कि 6 × 6 करने पर क्या मिलता है 36, है ना। तो इसी चीज़ को, इसको पता करना है कि किसका स्क्वायर करने पर ये नंबर मिलता है, वही होता है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। तो इसको लिखते हैं हम लोग कुछ ऐसे कड़ी में, इसको इंग्लिश में कहते हैं रूट और हिंदी में कहते हैं कड़ी। तो कड़ी में जब लिखते हैं 36 को, तो यहाँ 2 छिपा रहता है, 2 को लिख भी देते हैं, कहीं कहीं नहीं लिखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो है रूट 2 से ही निकलता है। उसके बाद 3 आता है, क्यूब रूट कहते हैं, 3 लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं हम 216 किसका क्यूब रूट है, इसको पता करना है कि किसका 3 बार गुणा करें कि 216 मिल जाए। किसका 2 बार गुणा करें, जब यहाँ पर स्क्वायर रूट रहेगा तो किसका 2 बार गुणा करें कि क्या मिल जाए 36 मिल जाए। तो उस चीज़ को पता करना ही कहलाता है स्क्वायर रूट पता करना, यानी कि ये 6 के बराबर है। 6 को ही ऐसे लिखा गया है रूट में। जैसे ये आया कहाँ से है, तो इसको आप लोग एक्सपोनेंट और पावर जो चैप्टर है उसमें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसमें अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे कि 6 का स्क्वायर हम समझेंगे 36 है ना। जब दोनों ओर रूट लेते हैं यानी कि कड़ी में लेते हैं दोनों ओर, तो हमारा कड़ी में 36 किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर जो ये रूट की वैल्यू होती है, कड़ी की जो वैल्यू होती है वो है यहाँ पर 1/2। कड़ी का जो मान है वो क्या है, 1/2, यानी कि पावर में 1/2 है, यदि रूट 2 है ये वाला है, स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, अगर कड़ी है तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर और इस पर कड़ी लगा है, यानी कि इसका वैल्यू है 1/2। ये जो पावर है इसका आपस में गुणा हो जाता है, एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ेंगे, 2 × 1/2 होगा, ये होगा बराबर √36 के। क्योंकि शुरू में हमने क्या माना था कि 6 का स्क्वायर बराबर था 36 के। यहाँ से प्रूफ करते हुए जा रहे हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए, सेम इसी क्वांटिटी को लेकर दोनों ओर स्क्वायर रूट किए, दोनों ओर फिर यहाँ पर सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। 2 से ये 2 कट जाएगा 1, 6 की पावर 1 यानी कि 6 बराबर कड़ी में 36। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कड़ी में 36 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। ऐसे दूसरा भी नंबर ले सकते हैं, जैसे हम ले लें 5 का स्क्वायर बराबर होगा 25 के, होता है 5 × 5 = 25 होता है। ऐसे ही यदि दोनों रूट ले लें तो कड़ी में 5 का स्क्वायर बराबर होगा कड़ी में 25 के, क्योंकि ये क्वांटिटी शुरू में ही बराबर थी। आगे करेंगे तो कड़ी से स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 25। तो आप कहेंगे कि कड़ी में 25 किसके बराबर है, 5 के। तो आप देखेंगे कि स्क्वायर रूट निकालने का यही मतलब है कि उस नंबर का पता करना कि किसका स्क्वायर करने पे मिलेगा, किसका उसी में गुणा करने पे वो नंबर मिलेगा जो कि कड़ी में है, इसी को पता करना है। तो ऐसे ही कई नंबर्स ले सकते हैं जिसका आपने याद किया है, जैसे कि कड़ी में 144, हमने कहा था 20 तक आपको याद कर लेना है। कड़ी में 144 किसका वैल्यू है, किसका स्क्वायर करने मिलेगा, तो आप कहेंगे 12 का। ऐसे ही कड़ी में अगर ले लें 1296, 1296 ये किसका है, इसको आप याद नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसको निकालने का तरीका है, और दो तरीके हैं, गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग भाग विधि डिवीजन मेथड, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो इसको लगाने के लिए ये 36 का है, लेकिन ये सॉल्व करते करते आपको याद हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछेगा, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखते हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर निकालना है ना। फैक्टर कैसे निकालते हैं, जब किसी नंबर को
किसी नंबर के गुणा के रूप में लिख दें, यानी कि कुछ होते हैं अभाज्य गुणनखंड, है ना। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभाज्य नंबर लेंगे, अभाज्य संख्या जो एक से कटेंगी, खुद से कटेंगी, ऐसे नंबर्स लेंगे और उनसे हम लोग निकालेंगे कि किसका वर्ग है, कि वर्गमूल निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं, फिर से हम ले लेते हैं कोई नंबर, जैसे कि 144। 144 आप जानते हैं 12 को ही लिखा गया कड़ी में 144, अगर कड़ी में 144 इसका मतलब 12 है, तो 12 के बराबर है। तो ये 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसको कैसे निकालेंगे, दो विधि। तो पहला हम देखते हैं गुणनखंड विधि से, तो इसका निकालते हैं LCM। लघुत्तम निकालना आप लोगों ने अभी नहीं सीखा होगा, या यदि सीखा है तो आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से कैसे निकालते हैं, एक सिंगल क्वांटिटी है, ऐसा नहीं कि 14 अलग है, यहाँ कहीं कामा लगा दें और फिर निकालें 4 का अलग, ऐसा नहीं है। 144 एक ही में है, या कोई सिंपल नंबर लेकर भी अभी देखेंगे। तो 144 का निकालेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 से पूरा 144 कटेगा, क्योंकि लास्ट में 4 है। हमने 2 का नियम पढ़ा था विभाज्यता के नियम में कि नहीं, कि 2 से वही नंबर कटते हैं जिनके लास्ट का अंक 2 से कट जाए। यहाँ पर भी वही चीज़ है, 2 से यहाँ पर भाग देंगे, तो 2 से यदि आप डायरेक्ट भाग नहीं दे पा रहे, तो किनारे ले जाकर भाग दे सकते हैं 144 में। 2 × 7 = 14 यहाँ पर कट गया, 4 आया, 2 × 2 = 4, तो इस तरह से 72 आया। 72 यहाँ लिख देंगे, फिर 2 से भाग देंगे, क्योंकि अंतिम में 2 है, 2 से काटेंगे तो 72 का आधा हो जाएगा, 2 पार्ट में बटेगा, तो कौन आएगा, 36। 36 × 72 होता है। यदि ऐसे नहीं भाग देने आ रहा, फिर से ऐसे आप भाग दे सकते हैं 72 को किनारे ले जाकर, फिर ऐसे 2 से काटेंगे 36 को, 36 का आधा 18, 18 × 36 होता है, फिर 2 से काटेंगे, 2 × 9 = 18, फिर 3 से कटेगा, क्योंकि अब 2 से नहीं कटेगा 9, 9 3 से कटता है, 3 × 9 और फिर 3 से कटेगा, 3 × 3 = 3। तो इस तरह से आप देखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया, यानी कि इसका लिख सकते हैं 144 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 4 2 हैं और 2 3 हैं। अब यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं हम लोग गुणनखंड विधि में, क्या करते हैं, पहले फैक्टर्स निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं कि किसका गुणा करने पे ये नंबर मिलेगा, इसको निकाल लिए। अब इसके बाद हम लोग जोड़ा बनाते हैं, पेयरिंग करते हैं, 2 को एक साथ लेंगे, 2 को 2 हैं तो 1 2 लिखेंगे, जब रूट 144 का मान निकालना है, 2 को 2 हैं तो इसको क्या करेंगे, 1 2 लिखेंगे, फिर 2 को 3 हैं यहाँ पर 1 3 लिखेंगे, जो गुणा करने में नंबर आएगा वही क्या होगा, 144 का वर्गमूल होगा। गुणा करते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 क्या है, 144 का स्क्वायर रूट है 12। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि में। कोई अन्य नंबर लेकर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर होता क्या है, जब यह रूट करते हैं ऊपर भी और नीचे इधर भी, है ना, क्योंकि ये 144 इस पूरे के बराबर था, इस पूरे गुणा करने से 144 मिलेगा, ठीक। तो जब इस दोनों ओर कड़ी में लेते हैं, तो यहाँ पर कड़ी में 144 बराबर हो जाता है, 2 को कड़ी में अगर 4 है, ये 2 × 2 = 4, कड़ी में 4 बाहर निकलता है तो हो जाता है 2, है ना, कड़ी में 4 किसके बराबर है, 2 के, ऐसे ये कड़ी में 4 है तो ये बाहर आएगा तो 1 2, कड़ी में 4 है तो ये किसके बराबर, 2 के, कड़ी में 3 × 9 है, 9 का वैल्यू कड़ी में से बाहर आएगा 3 होगा। तो उसी सब को लिखे हैं हम लोग, है ना, कड़ी से बाहर आए हैं, क्योंकि दोनों समझ लीजिए हम कड़ी में ले लिए हैं, स्क्वायर रूट ले लिए हैं, तो इस तरह से 12 का है। ऐसे दूसरा कोई नंबर लेते हैं, जैसे ले लेते हैं कड़ी में ले लेते हैं, मान लेते हैं 49 का क्या होगा, तो इसका आप याद किए हैं, कहेंगे 7 का होगा स्क्वायर करने पर, 7 का स्क्वायर करने पर 49 मिलता है, इसको एलसीएम से निकालेंगे, 49 7 7 = 49 7 1 = 7, यानी कि 49 किसके बराबर है, 7 × 7 के, दोनों ओर यदि रूट ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर कड़ी में, या 2 × 7 है तो 1 बाहर आ जाएगा, तो कड़ी में 49 बराबर है, कड़ी में से ये बाहर आएगा, 7 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर काट देते हैं कुछ लोग, तो ऐसे कुछ होता है, कड़ी से स्क्वायर कट जाता है, यहाँ पर 7 आ गया, अगर स्क्वायर रूट है तब, तो यहाँ पर कड़ी में 49 किसके बराबर है, 7 के। क्यूब रूट अलग होता है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं स्क्वायर रूट, ये है गुणनखंड विधि। आगे और सॉल्व करते हैं 1296 का, और भी बड़े बड़े नंबर्स लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। अगला हमारा नंबर है 1296, कड़ी में 1296, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इससे भी बड़े बड़े नंबर्स आपको पूछेंगे, तो उन सबका ट्रिक हम बताएंगे। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो 1296 का लघुत्तम लेते हैं, LCM
बारह सौ छियानवे अकेला है, सिंगल क्वांटिटी है, ऐसा नहीं है कि कामा कहीं लगा देंगे, अलग अलग कर देंगे, एलसीएम वैसे नहीं निकालना है। सिंपल अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, दो से कटेगा क्योंकि अंतिम में छह है, पूरा बारह सौ छियानवे दो से कटेगा, दो से भाग देते हैं, दो से काटते हैं, दो से यदि डायरेक्ट नहीं काट पाते हैं तो दो से यहाँ पर किनारे या भाग दे सकते हैं, जो आएगा उसको लिख लेंगे। दो छक बारह कट गया, नौ उतरा, दो चौक आठ, यहाँ पर एक सोलह, दो आठ है सोलह, तो यहाँ पर आ गया हमारा 648, 648 आप लिख लेंगे। ऐसे ही फिर दो से कटेगा कि नहीं तो आप देखेंगे कि अंतिम वाला आठ है, यानी दो से कटेगा तो पूरा नंबर दो से कटेगा। दो से काटते हैं, दो तिया छः, दो दूनी चार, दो चौक आठ, फिर क्या दो से कटेगा, तो दो से काटते हैं फिर से क्योंकि लास्ट में फोर है, दो से कटेगा, दो से सोलह बार में बत्तीस कटा, दो दूनी चार, फिर दो से कटेगा, दो आठ है सोलह, दो एकम दो। अब किससे कटेगा, अब लास्ट में एक है, दो से नहीं कटेगा, तो इस किससे कटेगा, तीन से कटेगा। अंकों को जोड़कर देखते हैं, आठ और एक नौ, अंकों को जोड़ने पर नौ आ रहा है, यानी कि तीन से कट जाता है, इसीलिए पूरा नंबर तीन से कटेगा। तीन से भाग देंगे, तीन से किनारे ले जाकर भी भाग दे सकते हैं, तीन दूनी छः, दो बचेगा यहाँ एक, तीन सात इक्कीस, तो हमारा आ गया 27, यहाँ लिख देंगे। तीन से 27 कटेगा, तीन नवा सत्ताईस, तीन से नौ कटेगा, तीन त्रिक्का नौ, तीन से तीन कटेगा एक बार में। तो इस तरह से 1296 को क्या लिख सकते हैं, इस रूप में, यानी कि कड़ी में 1296 किसके बराबर है, दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो, चार गो दो हैं और यहाँ पर चार गो तीन हैं, तीन गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन, इस तरह से। अब जोड़ा बनाएंगे और बाहर निकालेंगे, तो दो गो दो हैं तो एक बाहर आएगा, दो गुड़े दो गो दो हैं यहाँ पर, एक गो बाहर आएगा, इन दोनों की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे दो, यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर लिखेंगे दो, फिर गुड़े यहाँ पर तीन है दो गो, यहाँ पर एक तीन आएगा, यहाँ पर दो गो क्या है तीन है, फिर से एक तीन आएगा, इन दोनों की जगह पर एक तीन बाहर आया, इन दोनों की जगह पर एक तीन आएगा, सम मल्टीप्लाई के रूप में। अब यहाँ पर कड़ी में 1296 किसके बराबर आ रहा है, कड़ी में 1296 इन सबके गुणा के बराबर, दो दूनी चार, चार तिया बारह, बारह तिया छत्तीस, तो यहाँ छत्तीस, इस तरह से आपका नंबर निकल जाएगा। 1296 जो कड़ी में है वो किसका है, 36 का है, यानी कि 36 के बराबर है। 36 का स्क्वायर यदि करें, 36 का स्क्वायर यदि करें तो यहाँ पर कड़ी में 1296 का भी स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर से कड़ी हट जाएगा और हमारा बचेगा 36 का स्क्वायर बराबर है 1296 के, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यानी कि कड़ी में 1296 का स्क्वायर रूट क्या है, 36 है। यहाँ पर हम कुछ नंबर लिखते हैं, आप उसका इस विधि से वर्गमूल निकाल कर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर कड़ी में 8 56 25 है ना, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, पांच का नियम बताए हैं उससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अंतिम में पाँच है यानी कि पाँच से कटेगा, तो ऐसे निकाल सकते हैं। और इसका निकाल कर बताइए, ये मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकेंड है, फर्स्ट का बताए और सेकेंड का 484, ये किसका है, इन दोनों का स्क्वायर रूट निकाल कर आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।